नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से हाल ही में जारी हुए नीट यूजी 2024 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। पहली बार ऑयल इंडिया फर्स्ट रैंक पर 67 स्टूडेंट रहे। आरोप है कि इनमें 16 स्टूडेंट्स के रोल नंबर आसपास थे। हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली के छात्र हैं। 67 स्टूडेंट ने परीक्षा में परफेक्ट नंबर के साथ टॉप किया है। इतना ही नहीं, इनमें से 44 तो टॉपर इसलिए बने क्योंकि उनको गलत जवाब देने पर ग्रेस मार्क्स मिले हैं। अब इस रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में रोष है। उनके साथ साथ विपक्ष की पार्टियां भी इस एंट्रेंस एग्जाम में कथित घोटाले का आरोप लगा रही है। इसे बड़े पैमाने पर किया गया स्कैम बताया जा रहा है। इसको लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक नीट स्कैम की जांच और कार्रवाई की मांग के लिए कई सारे उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी नीट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ने याचिका दायर की है। अब सवाल ये है कि क्या नीट एग्जाम रद्द होगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की सुनवाई जुलाई में की जाएगी। वहीं कई संस्थानों ने भी इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग की है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई करे, वरना देश भर में हड़ताल किया जाएगा। कैंडिडेट्स जो करीब पूरे जो हमने 4,750 सेंटर पे 24 लाख लोगों के लिए कराया था, उसमें 6 सेंटर्स से करीब 1600 बच्चों का इशू आ रहा था कि इनके जो है मार्क्स, और उसमें पर्टिकुलरली एक सेंटर के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो उसके लिए एक हमने कमेटी बनाई थी, ग्रीवांश डसल कमेटी, जो बच्चे कोर्ट गए थे कि उनका टाइम लॉस हुआ, उनको कंपनसेट किया जाए या रीटेस्ट किया जाए। तो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि इनका जो टाइम लॉस हुआ, इनको इस फॉर्मूले के तहत जो एक पहले किसी अपेक्स कोर्ट के जजमेंट में था, उसके तहत इनको कंपनसेट कर दिया जाए। तो उसके बेसिस पे रिजल्ट इशू हुआ। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं उनकी अध्यक्षता में, वो इनको पूरा इसको देखेगी। और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी। और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है, और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटेग्रिटी कम्प्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे।